न्यूज चैनल देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, क्या है पूरा मामला देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां पुलिस का खौफ अब अपराधियों में खत्म होता दिखाई दे रहा है, ऐसे में कुछ शरारती तत्वों ने आज बॉयज हाई स्कूल के बाहर बमबाजी की, जिससे कि हड़कंप मच गया। बता दें, मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा और जांच में जुट गया, जहां सीसीटीवी में घटना कैद हुई है बमबाजी की, जिसमें आप धुआं उड़ता देख सकते हैं। बता दें, आज 12 बजे के आसपास करीब छुट्टी का जब समय था, उसी समय इटॉन के सामने से खड़े होकर कुछ युवकों ने बम फेंका है, जो कि बॉयज़ हाई स्कूल के आगे गेट पर गिरा। सबसे बड़ी बात, जहां पर बम गिरा उसके चंद कदम की दूरी पर बच्चे और महिला भी खड़े थे। ऐसे में परिजन बच्चों को लेने आए, तो छुट्टी का समय था, जिसके कुछ ही देर बाद छुट्टी हुई और बच्चे बाहर आए, मगर यहाँ पर शरारती तत्व बम फेंक कर दहशत फैलाने का काम किया है। वहीं मौके पर पहुंची सिविल लाइन पुलिस व सीओ सेकंड ने जांच पड़ताल में जुट गए हैं, और साथ ही सीसीटीवी भी खंगाला जा रहा है और जल्द ही पुलिस इनको गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। इस मामले पर क्या कुछ कहना है बॉयज हाई स्कूल के प्रिंसिपल डेविड ल्यूक का, आइए सुनाते हैं आपको। 10:10 पे जब हमारे छोटे बच्चों का स्कूल छूटने वाला था, कुछ अराजक तत्व सड़क के उस पार से हमारे मुख्य गेट पे एक बम फेंका जो फटा, और उस समय स्कूल छूटने वाला, लकली हमारे बच्चे बाहर उस समय नहीं निकले थे, अगर निकल गए होते तो कुछ बहुत ज़्यादा कुछ बच्चों को नुकसान हो सकता था। तो हम वजह हम नहीं बता, स्कूल के कौन थे, क्या लोग थे, ये तो पता नहीं है। पुलिस को हम लोगों ने इन्फॉर्म किया है, हम लोग एक मुकदमा भी दर्ज कर रहे हैं, अब वो तहकीकात करेंगे तो पता चलेगा। स्कूल के किस साइड पे फेंके हैं? मुख्य द्वार पे के सामने, जो इटॉन रेस्टोरेंट है उसके सामने से फेंके हैं, हमारे मेन गेट पे फेंके हैं। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि सड़क के उस पार से बम फेंका गया और छोटे बच्चों का स्कूल छूटने वाला था, मगर कोई हताहत नहीं हुआ, हम लकी हैं। संगम नगरी प्रयागराज, हेलमेट आपके जीवन में कितना उपयोगी है, हेलमेट के बिना लाइफ का सफर जानलेवा साबित हो सकता है, ये जानते हुए भी लोग लापरवाह बने हुए हैं। कहीं ना कहीं हर रोज़ सड़क पर हादसे की खबर मिल ही जाती है, एक और यातायात लोग जागरूक करती है पुलिस, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी बाइक सवार सुधरने को तैयार नहीं है। ऐसे में कई लोगों ने अभियान भी चलाकर लोगों को जागरूक किया है। वहीं जब हमने सड़कों पर उतरकर रियलिटी चेक करी और लोगों से बात की, तो यहां पर ज़्यादातर लोग बिना हेलमेट के और ट्रिपलिंग करते दिखाई दिए, यहां तक कि बिना हेलमेट के कान में फ़ोन लगाकर गाड़ी चलाते दिखाई दिए, चाहे वो महिलाएँ हों पुरुष हों, सभी बिना हेलमेट के दिखाई दिए। वहीं यहाँ लोगों का कहना था रोकने पर कि हाँ, उनको हेलमेट ज़रूर यूज़ करना चाहिए और पुलिस जागरूक भी करती है। ऐसे पे क्या कहना था लोगों का और क्या कुछ कहना इस पर समाज सेवियों का, आइए सुनाते हैं आपको। क्या कहेंगे, हेलमेट लगाना ज़रूरी है, बाकी बात पुलिस भी जागरूक कर रही है, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं, हमारी सुरक्षा के लिए ये सब हो रहा है, बाकी अब क्या बताएं हम। आपको लगता है हेलमेट ना लगाने खतरा बहुत बहुत खतरा रहता है? अभी कुछ दिन पहले हमारा ये एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए क्या तो बताएं। जी जी, लगाते क्या हैं? मेरा नाम शिवम पांडे। लोग बिना हेलमेट गाड़ी सड़क पर चला रहे हैं, कितना खतरा लगता है, क्या कहेंगे? यह खतरा तो बहुत है, पुलिस भी लगातार जागरूक हो रही है और लोग भी चालान काटने के लिए एकदम तत्पर है। उसके बाद लोग नहीं लगा रहे हेलमेट, क्या कहेंगे? नहीं, लोगों को हेलमेट लगा के जाना चाहिए। क्या नाम है? विवेक। यार ये हेलमेट नहीं लगाया, कितना खतरा लगता है, हेलमेट नहीं लगाना चाहिए क्या? हेलमेट लगाते हैं पर कभी नहीं लगाते, कभी कभी नहीं भी लगाते ना, सर दर्द होता है, मौसम अच्छा था इसलिए नहीं लगाया। खतरा लगता है? नहीं, खतरा नहीं लगता, खतरा लगता तो लगाए होते हैं। खतरा नहीं होता हेलमेट? नहीं होता है, सेफ्टी तो होती है, रोज लगाते हैं, अभी मौसम थोड़ा अच्छा था, धूप नहीं थी तो नहीं लगाया हमने। ऑब्वियसली लगाना चाहिए, मेरे वाले हेलमेट हम भी लगाते हैं, पर आज मौसम अच्छा था, कॉलेज से निकले थे, देर हो गई, थक गए थे तो हम निकल गए। मेरा नाम नबीला है। मैं ये कहना चाहूँगी कि जनता से मेरी हाथ जोड़कर अपील है, नम्र निवेदन है कि समाज सेवी संस्थाएं इतना आप लोगों को जानकारी देते हैं कि हेलमेट लगा के चलें, उनसे क्या फ़ायदे हैं। पुलिस भी अपनी ड्यूटी पूरी अच्छी तरह निभा रही है, लेकिन
फिर भी आप लोग चालान भी कटवाते हैं, सब कुछ कटवाते हैं, लेकिन हेलमेट लगाना भूल जाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप लोग ध्यान रखिए, आपके घर में भी कोई इंतज़ार कर रहा है। सबसे ज़्यादा हेलमेट आपके आपके परिवार के लिए, आपके प्रियजनों के लिए, आपके मित्रों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिनके लिए आप खास हैं। कम से कम आप उन लोगों के लिए तो हेलमेट लगा कर चलें। ये मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि इस बात का ध्यान रखें, और आप खुद ही अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे तो कोई आपकी सुरक्षा कैसे कर सकेगा। मैं रंजना गुलाटी, अध्यक्ष अखिल भारतीय महिला परिषद नगर शाखा संगम नगरी प्रयागराज, जहां आप खुले सामानों पर जहां 5% GST लगाई गई है, जिससे लोगों की मुसीबतें तो बड़ी है, मगर अब विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर हो गया है। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाबा अभय अवस्थी ने अब इस मामले पर सरकार पर निशाना साधा है। GST के मुद्दे पर उन्होंने निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है हम आपको सुनाएंगे। मगर जहाँ दूध, मक्खन, दाल, चावल, अन्य चीजों पर GST लगी है, उससे लोग भी परेशान है। ऐसे में क्या कुछ कहा है कांग्रेस नेता ने, आइए सुनाते हैं। क्या कहा गया, हंसी ही आती है जिन पदार्थों पर GST लगाते चले जा रहे हैं। कि आज जन जन में और सोशल मीडिया पर ये कहावत मशहूर हो रही है कि पहले बच्चा जब रोता था तो माँ कहती थी बेटा जो है सो जा नहीं गब्बर आ जाएगा। अब माँ अपने बेटे से कह रही है, कार्टून जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, कि माँ अपने बेटे से कह रही है कि बेटा तेरी भूख बाद में, पहले GST की भूख मुझे मिटा लेने दे। तो सरकार खुद आईने में अपना चेहरा देख ले कि बेटे के दूध पर GST, एक नाबालिग या नवजात शिशु के जो है मक्खन के ऊपर जो है GST। कहने का मतलब ये है कि कफन से भी GST कहाँ ले जाना चाह रहे हैं सरकार को। कुछ तो मर्यादा, नैतिकता, या जो सनातनी हिंदुत्व की बात करते हो, तो क्या हमारे सनातनी हिंदुत्व में जो है मुग़ल काल में भी जब जो है अंत्येष्टि करने के लिए औरंगजेब ने टैक्स लगाया था तो त्राहिमाम जनता कर उठी। आज आप जो है अंत्येष्टि में भी GST लगाना चाह रहे हो, दूध में भी GST लगाना चाह रहे हो, आटा में भी जो है, तो गरीब जो है GST का पेट भरे कि अपनी औलाद का पेट भरे, सरकार यही बता दे। मोबाइल से निकलने वाली किरणों से गर्भवती महिलाओं के बच्चों पर किस तरह से दुष्प्रभाव पड़ता है, किस तरह से बच्चों में समस्या उत्पन्न होती है मोबाइल की रेस से, क्या कुछ कहना है डॉक्टर वर्तिका श्रीवास्तव का इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं आपको। कर देते हैं ये सारी चीजें, जब एक गर्भवती महिला यूज करती है एक मोबाइल या किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को, लैपटॉप को हद से ज्यादा, तो ये उसके बच्चे को ट्रांसमिट होती है। उसके बच्चे में बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, बोन डेंसिटी का ह्रास होता है, और जो जब वो बच्चा विकसित होकर इस दुनिया में आता है तो उसमें बिहेवियरल एक्टिविटी बहुत तरह की होती है, बहुत तरह के इश्यूज होते हैं, जैसे कि एक कोऑर्डिनेशन होता है सुनने, सोचने, समझने का, उसमें गड़बड़ आती है। और इसके साथ साथ ही जो हमारे सेल्स हैं बॉडी के, सेलुलर रिसेप्टर्स जो हैं, जो हमारा DNA है, उससे भी ये रेडियो वेव्स इंटरफेयर करता है, जिसका अगर हम आगे देखें तो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां भी हमें हो सकती हैं, और हम इसको रोक नहीं पाएंगे अगर हम ये चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे कि हमारा जो डेली लाइफ है, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसमें ये उपकरण बहुत ज़रूरी है। तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हमें इसमें इंटरवल देना चाहिए। आप बचाव कैसे कर सकते हैं, आप उस यूज़ को इंटरवल दीजिए, थामिए। जैसे आपने कुछ देर कुछ काम किया, कुछ यूज़ किया, फिर उस मोबाइल को रख दीजिए। रात में कोशिश करिए कि आपको मोबाइल यूज़ ही ना करना पड़े। दूसरा, आज बहुत तरह तरह के मोबाइल्स मार्केट में उपलब्ध हैं, चाइनीज़ कंपनियां भी हैं, हमारी इंडियन कंपनियां भी हैं, पर इस बात का ध्यान रखें कि जो मोबाइल हो उसका SAR वैल्यू अच्छा हो। SAR वैल्यू मीन्स जो स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट जिसको बोला जाता है, जो कि जो हमारी जो रेडियो वेव्स जो निकलती है उसका एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी से कम हो जाए।
और साथ ही हम एक और भी काम कर सकते हैं कि हम अपने मोबाइल को, जैसे हम कहीं भी रहते हैं, हम लिफ्ट में रहते हैं तो भी हम मोबाइल में लगे रहते हैं, या किसी बेसमेंट में रहते हैं तो भी हम मोबाइल में लगे रहते हैं, ये सारे एरियाज़ वो होते हैं जहाँ पर सिग्नल स्ट्रांग नहीं होते, तो हमें मोबाइल हमेशा स्ट्रांग सिग्नल्स वाले प्लेसेस पे ही करना चाहिए क्योंकि वो भी लो स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट हमें प्रोवाइड करते हैं। कोशिश करना चाहिए ब्लूटूथ का यूज़ करना, कोशिश करना चाहिए कि वाईफाई राउटर इस तरह का यूज़ करें जिससे कि जो ये मोबाइल नाम का यंत्र है ये हमारे शरीर से थोड़ी दूर रहे। तो आप समझ ही सकते हैं कि जैसे मैंने पहले बताया कि हर सिक्के के दो पहलू हैं, तो हमारी भौतिक सुविधा के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे आगे आने वाले समय के लिए हानिकारक भी साबित हो सकते हैं। तो ये सुविधाएं हमें अगर मुहैया हैं तो इनका हम लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसके हार्मफुल इफेक्ट्स को भी जानें और उसको प्रिवेंट करने के लिए उपाय करें। नमस्कार, मैं वर्तिका श्रीवास्तव, गायनेकोलॉजिस्ट, वरदान केयर सेंटर, झूसी, प्रयागराज। नगरी प्रयागराज, जहां दिन में बॉयज हाई स्कूल पर बमबाजी हुई थी जिसका सीसीटीवी में घटना कैद भी हुई थी, वहीं अब एसएसपी प्रयागराज ने ऐसे लोगों को चिन्हित कर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात कही, साथ ही उन्होंने परिजनों से भी अपील की है। आइए सुनाते हैं आपको। उसको संज्ञान में लिया गया है, वैसे ये सूतली बम जो होता है फॉर्म में होता है, पटाखों में इस्तेमाल होता है, इस तरह के बम की घटना हुई है, परंतु हम लोगों ने चिन्हित करने का प्रयास किया, हमारी टीम लगी हुई है, जल्दी जल्द चिन्हित करके गंभीर धाराओं में ऐसे केसेस में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। आपने पूर्व में देखा होगा पहले की भी जो घटनाएं हुई हैं उसमें पुलिस ने तत्परता से वैसे लोगों की तलाश की है, उनको गिरफ्तार किया है, गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उनको जेल भेजा जा रहा है, और जो एक गैंग की तरह काम कर रहे हैं उनके जो है गैंगस्टर एक्ट के तहत भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ मैं स्कूल के कॉलेज के स्टूडेंट से और उनके गार्जियन से आप लोगों के माध्यम से अपील भी करता हूं कि अपने स्कूल में कॉलेजेस में प्रायः देखा जा रहा है कि ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसमें स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, काफ़ी यंग एज में इस तरह की सकारात्मक राह पे चलने के जगह पे वो नकारात्मक चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसको लेके उनको जागरूक करने का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इसके माध्यम से कॉलेजों को भी हम लोग संदेश दे रहे हैं, हम लोग इंटरेक्ट भी करेंगे, उनको अवेयर करेंगे कि इस तरह की आपराधिक गतिविधि में इन्वॉल्व ना हो, अदरवाइज इसमें कड़ी से कड़ी हम लोग विधि कार्रवाई सुनिश्चित करा रहे हैं और भविष्य में उनके करियर के लिए ये नुकसानदेह होगा, इस ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के भी, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की और गार्जियंस की विशेष करके कि अपने बच्चों पे, अपने घर के सदस्यों पे विशेष नज़र रखें, उनकी गतिविधि पे किसी भी तरह का आपराधिक कृत्य सामने नहीं होगा, ऐसे जो भी केसेस आ रहे हैं उसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां एक तरफ बरसात ना होने के कारण अब सब्जियों की पैदावार पर इसका असर दिख रहा है, जहां बारिश की समस्या से अब हर तरफ लोग परेशान हैं, जहां लोग गर्मी से परेशान हैं तो वहीं दूसरी तरफ हरी सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं, ऐसे में अब सब्जियां ना उगने के कारण बाहर से आ रही हैं जिससे कि काफ़ी रेट भारी होता जा रहा है। बता दें जहाँ डीजल पेट्रोल के दाम तो बढ़े ही हैं, गैस के दाम बढ़े हैं, जिसके बाद अब हरी सब्जियों के भी दाम बढ़ गए जिससे कि रसोई गैस का स्वाद बिगड़ गया है, ऐसे में लोगों को अब खाने में भी हरी सब्जियां कम इस्तेमाल करनी पड़ रही है, ऐसे में लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में अब दुकानदारों की बिक्री कम हो गई है, ऐसे में हरी सब्जियों की बिक्री कम होने पर क्या कुछ कहना है दुकानदारों का, आइए सुनाते हैं आपको। क्या कहेंगे, जो सब्जियों का रेट इस समय काफ़ी महंगा चल रहा है, क्या कहेंगे भाई? सब बाहर से आ रहा धनिया उनिया सब बाहर से आ रही, महंगा होने होना है, कोई भी चीज़ बाहर से आएगा भाड़ा लगेगा, भाड़ा पेट्रोल महंगा है, सब चीज़ महंगा, तो महंगाई बढ़ेगी, इसीलिए आसमान छू रहे हैं। आसमान छू ही रहा है। क्या नाम आपका? लाल जी। क्या कहेंगे, सब्जियां काफ़ी महंगी हैं और ग्राहक भी खरीदने आते हैं तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? सब्जियां महंगी होने की वजह से कस्टमर को जो दिक्कत हो रही है वो तो अलग ही हो रही है, हम लोगों को भी दिक्कत हो रही है, जो पहले कम रेट में सब्जियाँ मिलती थी अब दाम उसका बढ़ गया तो हम लोगों को भी महंगी मिलती हैं और कस्टमर जो लेते हैं उनको भी थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है। धनिया उनिया का रेट काफ़ी ज़्यादा है, धनिया का बहुत काफ़ी रेट ज़्यादा है, कस्टमर भी दिक्कत हो रही है उनको लेने में। अच्छा, मानते हैं कि जो माल भाड़ा जो बढ़ा है उससे भी कुछ रेट पे असर? हाँ, भाड़े जो बढ़ गए हैं गाड़ियों के उससे भी रेट थोड़ा, और इस टाइम मौसम के वजह से भी थोड़ा सब्जियाँ कम आ रही हैं तो इसीलिए महंगाई थोड़ा सब्जियां की बढ़ी हैं। क्या नाम आपका? वंश।
नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है नई बस्ती पुलिस चौकी कीटगंज का, जहां अक्सर पुलिस चौकी पर ताला लटका होता है और साहब गायब होते हैं। ऐसे में अगर यहां कोई घटना या दुर्घटना होती है तो फरियादी जाए तो जाए कहां, बता दें, जहां यहां पर अक्सर ताला लटका होता है और लोगों को परेशानी भी होती हो तो वो किससे अपनी शिकायत लेकर जाएँ। ऐसे में जहाँ जिले के आला अधिकारी जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रहे हैं मगर उनके ही पुलिसकर्मी उनके आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं और नियम कानून को ताक पर रखकर पुलिसकर्मी गायब दिखाई देते हैं। ये नज़ारा है कीटगंज नई बस्ती पुलिस चौकी का, जहां पर अक्सर ताला लटका होता है और पुलिसकर्मी गायब होते हैं। और अब देखना इस पर किस तरह से आला अधिकारी कार्रवाई करते हैं या फिर यहाँ पुलिस चौकी पर इसी तरह से ताला लटका रहेगा और कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। संगम नगरी प्रयागराज नज़ारा है करेली की सड़कों का, जहां आप देख सकते हैं यहां पर स्ट्रीट लाइट शोपीस बनी हुई है और काफ़ी दिनों से बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट के कारण यहां अंधेरा रहता है जिससे कि किसी समय भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण यहां पर आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बता दें रात में अक्सर करेली की सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण लोग दुर्घटनाग्रस्त भी होते हैं मगर जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी जिसके कारण आज तक यहां पर स्ट्रीट लाइटें सही नहीं हुई हैं। यहीं पर कई बैंक भी हैं और मेडिकल हेल्थ केयर सेंटर भी है मगर उसके बावजूद यहां पर स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी रहती हैं और हाई मास्ट लाइट भी बंद पड़ी रहती है जिससे कि सड़कों पर छाया रहता अंधकार जिससे कि आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है मगर नगर निगम की लापरवाही के कारण आज तक नहीं। नगरी प्रयागराज जहां बीते 2019 के कुंभ में 60 चौराहों का सुंदरीकरण प्रयागराज विकास प्राधिकरण के द्वारा कराया गया था, वहीं अब आगामी कुंभ को देखते हुए जहां योगी सरकार ने फरमान जारी किया है और अभी से लोग कुंभ की तैयारी में जुट गए हैं, वहीं कुंभ की तैयारी को देखते हुए और अब योगी सरकार के आदेश के बाद विकास प्राधिकरण ने फिर से चौराहों का सुंदरीकरण कराने का कार्य शुरू करा दिया गया है, जिसमें चौराहे के रख रखाव व पेंटिंग का कार्य कराया जा रहा है। ऐसे में कार्य कराने वाले ठेकेदार का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, किस तरह से तैयारी की जा रही है, आइए सुनाते हैं आपको। ये क्या कार्य चल रहा है? ये कुंभ के समय पे 2019 में जो कुंभ मेला हुआ था उसमें 60 चौराहे बनाए गए थे, तो अब उसके बाद अब फिर दोबारा से कुंभ होने वाला है 2-3 साल में, तो इसके ये मरम्मत का काम चालू है। सारे चौराहे जितने भी चौराहे बनाए गए उनके कलर पेंटिंग और सब फिनिशिंग के कार्य दोबारा से स्टार्ट हो गए और ये काम रेगुलर चलते रहेंगे क्योंकि प्रयागराज जैसा बनाया वैसा आगे भी दिखना चाहिए, उस थीम पे हम लोग काम कर रहे हैं। और जैसे शुरुआत में थे जब कुंभ स्टार्ट हुआ था तब वैसे स्कल्पचर्स थे और वैसे ही ये आगे भी चमकते रहे। इस विभाग के द्वारा ये कार्य चल रहा है, ये विकास प्राधिकरण प्रयागराज के द्वारा कार्य किया जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में आज जहां सांसद रीता बहुगुणा जोशी का जन्मदिन अनाथ बच्चों के राजकीय बाल संरक्षण गृह के खुल्दाबाद में केक काट के मनाया गया, जिसमें सभी लोग को फल मिठाई चॉकलेट आदि खिलाकर जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता अभिषेक शुक्ला ने कहा कि प्रोफेसर रीता जोशी जी ने हमेशा गरीब मजबूरों को जरूरतमंदों की हमेशा मदद करती हैं, उनकी प्रेरणा लेते हुए हम लोग प्रतिवर्ष अनाथ बच्चों के बीच आकर उनकी खुशी का कारण बनने की कोशिश करते हैं और संकल्प लेते हैं कि उनकी दीर्घ आयु की कामना की और कहा कि हमेशा प्रोफेसर रीता जोशी जी प्रेरणा लेकर हर वर्ष ऐसे बेसहारा लोग की मदद करते हैं। बता दें रीता बहुगुणा जोशी के जन्मदिन पर जहां छोटे बच्चों के संग भाजपा कार्यकर्ताओं व उनके समर्थकों ने केक काटकर जश्न मनाया और साथ ही इस मौके पर बच्चों को केक खिलाया, अनाथ बच्चों में भी खुशी का माहौल दिखाई दिया। यहाँ इनके माँ बाप को कोई पता नहीं है और यहां पर अनाथ बच्चों की सेवा करना, सेवा का भाव हमारी अपनी नेता माननीय सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने सीखा है, क्योंकि उन्होंने हमेशा गरीब मजलूमों बच्चों सबकी सेवा की है और उनका कहना है कि संघर्ष और सेवा से ही आदमी आगे बढ़ता है। हम लोग आज उनके जन्मदिवस पर ये संकल्प लेते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पर हमेशा लोगों की सेवा, गरीब मजलूमों की सेवा करते रहेंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश हिंदी आयोग के सदस्य विजय गोस्वामी जी, यहाँ के अध्यक्ष हरी श्रीवास्तव जी,
यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर पंकज मिश्रा जी सबका सहयोग हमेशा मिलता रहता है। हम लोग हर वर्ष भगवान से आज उनकी जन्मदिन पर अपनी जनता के लिए प्रार्थना करते हैं कि दिन ब दिन और इस जनता की सेवा करते हैं। और अभिषेक शुक्ला अधिवक्ता उच्च न्यायालय बता दें इस मौके पर केक काटकर मनाई गई खुशी। संगम नगरी प्रयागराज जहां पुलिस सड़कों पर निकलकर पैदल गश्त कर रही है और साथ ही सुरक्षा के दृष्टिगत एसएसपी प्रयागराज के निर्देशन पर संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। जहां एसएसपी प्रयागराज के निर्देशन पर अब शहर की सभी पुलिस सड़कों पर निकलकर पैदल गश्त कर रही है और साथ ही सुरक्षा के दृष्टिगत संदिग्ध लोगों को रोक कर पूछताछ कर रही है। वहीं वाहनों की भी चेकिंग की जा रही है और सख्ती से इसका पालन एसएसपी प्रयागराज के निर्देश पर किया जा रहा है। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पे एसएसपी प्रयागराज का, आइए सुनाते हैं। क्या वजह है? देखिए रूटीन में बेहतर अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को सुनिश्चित कराने के लिए प्रशासन हेडक्वार्टर के निर्देश सभी अधिकारीगण शाम के समय में जिस समय मार्केट क्षेत्र में भीड़ भाड़ रहती है खुद पेट्रोलिंग की जाती है अपराध नियंत्रण लोगों के अंदर बेहतर सुरक्षा की भावना जागृत हो उसको सुनिश्चित कराने के लिए की जाती है। साथ ही साथ यातायात प्रबंधन तथा कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव को और स्ट्रेंथन करने के लिए ये पहल की जाती है। इसी के तहत आज सिविल लाइन एरिया में हम लोग पैदल गश्त कर रहे हैं। पैदल गश्त के दौरान हम लोग लोगों से इंटरेक्ट भी करते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी लेते हैं, उनसे सुझाव भी लेते हैं और लोगों के साथ मिलकर एक दूसरे के प्रति विश्वास को जगाना और एक बेहतर पुलिसिंग की व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की जाती है। उसी के तहत आज हम लोग कार्य करते हैं। जो संदिग्ध लोग होते हैं उनसे भी रोक सकते हैं? बिल्कुल, जैसा मैंने बताया अपराध नियंत्रण की जब मैंने बात की तो उसका उद्देश्य यही था कि जो संदिग्ध लोग दिखते हैं उनकी चेकिंग टेस्टिंग और आवश्यकतानुसार उनको थाने के लिए जाकर उनसे पूछताछ, वाहनों की चेकिंग, अवैध अतिक्रमण जो है उसको, इन सभी पॉइंट्स को देखते हुए जनरल पुलिसिंग के हमारे सभी आयाम उनको देखते हुए ये पैदल गश्ती डेली। संगम नगरी प्रयागराज के ये स्मार्ट सिटी का नज़ारा है जहां स्मार्ट सिटी में हल्की सी बारिश के बाद सड़क पर जलभराव देखने को मिल रहा है। जहां पुराने शहर के गोल पार्क क्षेत्र के पास जहां सड़क किनारे जलभराव है और जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं, तो दूसरी तरफ सिविल लाइन के पॉश इलाके का ये नज़ारा है जहाँ हल्की सी बारिश के बाद बस स्टॉप पर जल भराव हो गया और यहाँ भी जल निकासी के सारे रास्ते बंद पड़े हैं। नगर निगम के दावों की हकीकत बयां करती ये तस्वीरें, चाहे वो पुराने शहर के अटाले क्षेत्र की हो या फिर सिविल लाइन के पॉश इलाके की। हर जगह हल्की सी बारिश के एक दिन के बाद यहाँ अभी तक जल भराव है और जिसके बाद पानी निकासी की कोई जगह नहीं है। बता दें अगर बारिश होती है और तेज़ बारिश होगी तब शहर का क्या हाल होगा, ये सब अपने आप समझ सकते हैं। जहां आप देख सकते हैं कि हल्की सी एक दिन की रिमझिम बारिश से जल भराव हुआ है, तो जब बारिश होगी तब क्या होगा और नगर निगम के दावों का क्या होगा। संगम नगरी प्रयागराज नज़ारा है खुल्दाबाद चौराहे का, जहां पर लाखों रुपए से एलईडी लगाई गई थी और जिससे लोगों को जागरूक किया जाता था, मगर अब ये एलईडी शोपीस बनकर रह गई, ना ही इससे लोगों को जागरूक किया जा रहा है और ना ही एलईडी से यातायात के प्रति और ना ही कोरोना के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जिससे लाखों रुपए की बर्बादी हो रही है और एलईडी यहां पर लगी धूल फाक रही है और नगर निगम की लापरवाही के कारण इसको नहीं सही कराया गया है और ये एलईडी अब बंद पड़ी है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।